शुरू हो जाता है बायोलॉजी में पढ़ाई। तो हम तो कहना चाहेंगे कि या तो ये उनकी शिक्षा गड़बड़ है, और अगर जो शब्द का प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने किया था सदन के अंदर, अगर वो शब्द किताब में लिखा होगा तो मैं अपना राजनीति करना छोड़ दूंगा। लेकिन ये पूरे बिहार के मंत्रिमंडल के किसी की ताकत नहीं है कि मुख्यमंत्री को सही सलाह दे दे। जी पहले घरवा पढ़ के अपने ही घरवा के बहू बेटी सबको पढ़वा के तब फिर लेके आते हैं सदन में, तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं, तो पेज को खोले का है निकाली किताबवा का है दिखाए पेज भी दिखाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से शीतकालीन सत्र के दौरान हाउस में बयान दिया था, उसको लेकर के लगातार जो है विपक्ष की ओर से आलोचना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किया जा रहा है, जबकि नीतीश कुमार ने माफी भी मांग लिया था, उसको लेकर के लगातार जो है अभी तक बीजेपी शांत नहीं हुआ है। इतना तक भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने एनसीईआरटी का 12th का जो बायोलॉजी का बुक है वो लेकर के बिहार विधान परिषद पहुंचे। बिहार विधान परिषद पहुंचने के बाद जो है मीडिया से मुखाकित हुआ, साफ तौर पर कह दिया कि ये तो 12th में पढ़ाया जाता है पर सदन में क्यों नहीं, इसको लेकर के बीजेपी के बिहार विधान परिषद के जो नेत्री हैं निवेदिता सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि किताब बुक जो है सिर्फ ऊपर ही दिखाइएगा कि अंदर की ओर पढ़िएगा भी, उसको लेकर के निवेदिता सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि पहले अपने घर के जो सदस्य हैं उनके पढ़ाएं, उसके बाद जो है बिहार विधान परिषद में ला करके ही किताब को दिखाना चाहिए। इतना क्या कुछ कहते हैं बिहार विधान परिषद के नेत्री निवेदिता सिंह, ये सुनिए। देखिए हमको हंसी आती है, बायोलॉजी की किताब लेके आना सदन में, किसको समझा रहे हैं, किसको बता रहे हैं, लोगों सब नीचे करो भाई। अरे भाई सभी लोग पढ़ लिख कर वहाँ हाउस में आए हुए हैं, तो ये जो बायोलॉजी के किताब में बता रही थी अभी महिला मंत्रीगण हमारी कि पाठ्यक्रम में है, तो गलती बताए थे 12th का किताब लेकर अशोक चौधरी जी आए थे, तो 9th से शुरू हो जाता है बायोलॉजी में पढ़ाई। तो हम तो कहना चाहेंगे कि या तो ये उनकी शिक्षा गड़बड़ है, और अगर जो शब्द का प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने किया था सदन के अंदर, अगर वो शब्द किताब में लिखा होगा तो मैं अपना राजनीति करना छोड़ दूंगा। और उस पाठ्यक्रम के विषय का हवाला देकर आप बोलते हैं कि पाठ्यक्रम में, तो सेक्स का विद्यालय खुलवा दीजिए ना, उसके वीसी बन जाएंगे मुख्यमंत्री जी और प्रिंसिपल बन जाएंगे अशोक चौधरी जी, और सारे जितने हमारे मंत्रीगण हैं वो बन जाएंगे प्रोफेसर सेक्सुअल क्लास के। किसको बता रहे हैं, बात खत्म। एक सवाल है कि महिला मंत्री है, चाहे महिला जो महागठबंधन की जो विधायिका है सदस्य है, उन्होंने कहा कि अपने सत्रह महिला शीला मंडल के, तो बहन जी को कही है कि उनको प्रणाम है मेरा, आपकी अच्छी सोच है, लेकिन जो सोच अपनी महिला बहन को राय दे रही है, अगर किसी भी मंत्री की ताकत होती है तो जाके नीतीश कुमार जी को राय दे देते, तो वो उस सदन से इस सदन में वो वक्तव्य को नहीं रखते। लेकिन ये पूरे बिहार के मंत्रिमंडल के किसी की ताकत नहीं है कि मुख्यमंत्री को सही सलाह दे दे। जो नेता बोलता है उसके पीछे ये लोग दौड़ जाते, चाहे वो सही हो या गलत हो। बायोलॉजी पहले घरवा पढ़ के अपने ही घरवा के बहू बेटी सबको पढ़वा के तब फिर लेके आते हैं सदन में, तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं, तो पेज को खोले का है निकाली किताबवा का है दिखाए पेज भी दिखाए, तो पेजवा खोल नहीं, पेज नहीं दिखाए, पेजवा बाहर दिखाएंगे आप लोग मीडिया में, पेजवा अंदर नहीं दिखाए हैं, उन्हीं के लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं, पेजवा दिखाना चाहिए था। अब पेजवा में अगर लिखल होता मुख्यमंत्री की बात तो हम उसी समय इस्तीफा देकर चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग को पद से कोई लेना नहीं है। लेकिन समाज में आप अगर अभद्र टिप्पणी करेंगे, महिला के विषय में बोलेंगे, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।